हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए फ्रेश वीडियो में। इससे पहले मैंने ग्रैंडर का बेसिक वेरिएंट का वीडियो क्रिएट किया था। आज मैं फ्रॉन्स के बेसिक वेरिएंट पर वीडियो क्रिएट करने वाला हूँ। फ्रॉन्स आपको 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन में ऑफर होने वाली एक कॉम्पैक्ट कार है, जिसमें आपको पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। जो गाड़ी आप देख रहे हैं सीएनजी, इसके सीएनजी के दो वेरियंट आते हैं। पहला वेरियंट है इसका सिग्मा, जो आपके सामने है। इसके ऊपर आता है डेल्टा वेरियंट। तो सिग्मा वेरियंट हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर करता है, उसमें हम बात करेंगे। उसके बाद इसके माइलेज की बात करेंगे और इसके कोटेशन पे हम बात करेंगे। तो चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट फेसिया से, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें इसमें मिलती है नेक्स्ट वेव ग्रिल, जो कि क्रोम एलिमेंट के साथ मिलती है। और इसमें हमें मिलता है, यहाँ पे मिलता है बाय हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प। यहाँ पे हमें मिल जाता है टर्न इंडिकेटर्स विथ पार्किंग लाइट। हम यहाँ पे फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट स्किड प्लेट हमें मिल जाती है, सेम स्किड प्लेट हमें रियर में मिलती है। अब हम इसकी साइड प्रोफाइल पे आते हैं, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें हमें 16 इंचेस के टायर मिलते हैं, जो हमें यहाँ पे व्हील कैप के साथ मिलते हैं। सामने हमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, पीछे हमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में हम बाकी चीज़ें देखेंगे तो हमें जो ORBM है, ये हमें मैट ब्लैक में मिलते हैं। डोर हैंडल हमें मैट ब्लैक में मिलते हैं। और यहाँ पे हम जो विंडो बीडिंग देख रहे हैं, ये हमें मैट ब्लैक में मिल जाता है। साथ ही साथ हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमें रूफ रेल्स भी मैट ब्लैक में देखने को मिलती है। तो चलिए हम इसके बैक प्रोफाइल में चलिए अब दिखाएंगे इंटीरियर उसको। पे हम आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले ड्राइवर डोर पे आएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। तो जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो विंडो है वो वन टच में है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें यहाँ पे मिलता है। उसके साथ हमें यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ये जो विंडो है, मैं एक बार इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वन टच में अप एंड डाउन होता है। ये मैंने वन टच में डाउन हुआ और यहाँ पे ये वन टच में अप हुआ। साइड मिरर कंट्रोल्स हम यहाँ नहीं मिलते हैं इसमें, इसके अप वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हम यहाँ पे CNG का स्विच मिल जाता है। यहाँ से हम CNG से पेट्रोल, पेट्रोल से CNG स्विच चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हेडलाइट चेंज करने के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। हेडलाइट को हम यहाँ सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से हम फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हमें बोनेट को ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद हम स्टेयरिंग पे आते हैं तो हमें स्टेयरिंग यहाँ पे टिल्ट मिल जाता है। डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो डबल टोन में हमें डैशबोर्ड मिल जाता है, जिसमें हमें ब्लैक के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। साथ ही साथ हमें सिल्वर एक्सेंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें रियर एसी वेंट सॉरी यहाँ पे हमें एसी मिल जाता है, जो कि ऑटो क्लाइमेट एसी है। यहाँ से हम स्विच को चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिक टू मैनुअली। अगर हम मैनुअली भी चाहें तो मैनुअली भी यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑटो पे यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे मोबाइल कैरी करने के लिए हमें स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर होल्डर सॉरी बॉटल रखने के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। और गियर नोब हमें यहाँ पे मिलता है मैट ब्लैक में। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हम हैंड ब्रेक है, ये भी हमें मैट ब्लैक में देखने को मिल जाता है। हम वैनिटी मिरर की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, और ना ही हमें यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलेगा सनवाइज़र में। दोनों सनवाइज़र यहाँ पे प्लान मिलते हैं। और IRVM की हम बात करें तो हमें यहाँ पे ये मैनुअली ऑपरेटिव मिलता है। उसके बाद मैं सीट की बात करूँ तो यहाँ पे 4-बे एडजस्टेबल सीट मिलती है, जहाँ से मैं इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ और स्लाइड कर सकता हूँ। अब मैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल पर चलूँगा और हम देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। उसके पहले बैक सीट एक बार दिखा देता हूँ। तो हम आ गए हैं इसकी बैक सीट पे। बैक सीट में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें लेग रूम और हेड रूम की बात याद आती है कि इसमें हमें हेड रूम लेग रूम नहीं मिलता है। मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है। तो मैं देखिए यहाँ पे मुझे हेड रूम भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है और यहाँ पे हमें लेग रूम भी बहुत अच्छा मिल जाता है। उसके बाद मैं इसके डोर की बात करूँ तो यहाँ पे हमें विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें जो फिनिशिंग मिलती है, ये हमें फैब्रिक फिनिशिंग यहाँ पे मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें फैब्रिक फिनिशिंग मिलती है। साथ ही साथ जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे मैट ब्लैक में मिलता है। उसके बाद हम बात आती है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे मोबाइल कैरी करने के लिए हमें स्पेस मिल जाता है, या हम छोटा मोटा सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे की कैरी करी, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे केविन लैम्प की, तो हमें यहाँ पे हेलोजन में केविन लैम्प मिल जाता है। यहाँ से मैं इसका स्विच भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें हेडरेस्ट मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। और जो सीट बेल्ट है, ये 3LR हमें सीट बेल्ट मिलते हैं, मतलब इंडिविजुअल हर पर्सन के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद चलिए हम इसकी बैक प्रोफाइल पर चलते हैं। उसके बाद हम इसके माइलेज की बात करेंगे और इसके ऑन रोड प्राइस की हम बात करेंगे। तो मैं आ गया उसकी बैक प्रोफाइल पे।
अब बैक प्रोफाइल हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमें शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, टू फैन डिस्पेलर हमें मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ पे हमें सीएनजी का लोगो मिलता है। साथ ही साथ हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सुजुकी का लोगो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और ये जो टेल लैम्प है हमें एलईडी में मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे रिफ्लेक्टर लैम्प मिल जाता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ हमें फ्रॉन्क्स की बेजिंग मिलती है। अब एक बार बूट स्पेस देख लेते हैं, उसके बाद हम प्राइस आपको इसका बता देंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे बूट स्पेस के लिए स्पेस तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। स्टेपनी का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, तो यहाँ से हम स्टेपनी रिमूव करके चाहे तो बूट स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, और अगर विदाउट इसको कैरी करें भी हम बूट स्पेस यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके फ्यूल कैप। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ से हमें सीएनजी का और यहीं से हमें सीएनजी का फिलअप कराना, जो जो कि 55 लीटर इक्विवेलेंट हम वाटर इक्विवेलेंट हम सीएनजी यहाँ से फिलअप करा सकते हैं। मतलब 10 से लगभग हम यहाँ पे 10 केजी के आसपास यहाँ पे सीएनजी फिल करवा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल कैपेसिटी है इसकी 45 लीटर की, ठीक है। यहीं से हम पेट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है स्विच, माइक्रो स्विच, अगर हम गाड़ी को ऑफ करते हैं विदाउट ऑफ करें हम गाड़ी को, एक सेकेंड यार मैं ना कर लेता हूँ उसकी की लगभग की तो हमें इस तरीके की मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक दो बटन मिलते हैं जो कि विदाउट बजर होते हैं। यदि ये मुझे बजर चाहिए तो मुझे सेकेंड हैंड पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे बजर के साथ मिलता है ये चीज़। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।